भाई सरकार जो दाव खेल रही है बंगाल के ऊपर खेल रही है, सरकार ने अपनी सारी ताकत बंगाल में लगा रखी है पूरी, उसने अपना ईडी वीडी विधायक एमएलए खरीद प्रोग सब बंगाल चल रहा खेच के समय। सरकार देश को ये मैसेज देना चाहती है भाई अगर हम बंगाल जीत गए तो यानी हम सही हो जाएंगे, और बंगाल हार गए तो जैसे किसान कहेंगे वैसे करेंगे। अब उन्होंने जो बंगाल को दावेदार बना रखा है, हालांकि सरकार को ये पता नहीं बंगाल की जनता भी जागरूक है, वहाँ भी किसान है, पूरे देश में घर घर ही आंदोलन जा रहा है। आज देश के हालात बताओ भाई, मैं अभी पीछे आंकड़े देख रहा हूँ, पिछले 5 साल में 3 करोड़ से ऊपर युवा बेरोजगार हुआ देश का। भाई जहाँ नौकरियाँ बढ़नी चाहिए थी वहाँ नौकरियाँ घटी हैं, जहाँ टैक्स आज ज़्यादा आ रहा है देश में कंपनियाँ लगनी चाहिए, उद्योग लगने चाहिए। आज देश किस दिशा में जा रहा है, हम उन देशों की तुलना करते हैं जहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं भाई यूएसए में देखो वहाँ की मैं नीति ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, अरे वहाँ का इंस्ट्रक्चर तो देखो क्या उन देशों का, वो सरकार कितनी कितनी सब्सिडी किसानों को देती है, कैसे वो सब चीज़ें मैनेज करते हैं। आप लोग क्या करते हो भाई, पेट्रोल डीजल बताओ आज 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल बिक रहा देश में, क्यों बिक रहा भाई, कच्चा तेल 1 रुपये में आ रहा है। ये लोग जब कांग्रेस पर आरोप लगा करे तो बड़े अच्छे लगे करे हमें भी, राष्ट्रहित में बता रहे हैं ना महंगाई तो भाई ऐसा कैसा राष्ट्रहित, देश की जनता रोडों पर बैठी है भाई। लोकतंत्र आज जो देश का लोकतांत्रिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी सिस्टम, आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश में ऐसी ताकत पनप चुकी है जो देश को लिए बहुत खतरनाक है, और वो चाहती है जैसा हम करें देश में ऐसा ही होगा, चाहे वो सही है गलत है, वो लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। आज बताओ किसानों को 107 दिन हो गए, 200 से ऊपर किसान शहीद हो गए, बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है सरकार, क्या गलती कर दी किसान ने, अपना अधिकार मान रहे हैं। अरे तुम इतने बड़े बड़े उद्योगपति फैक्ट्री कंपनी छोटे से छोटी कंपनी अपना रेट MRP तय करने का वो मादा रखती है, क्या किसान को MSP भी नहीं मिलेगी इस देश में, बताइए आप क्या क्या किसान लोकतंत्र बचाने की भी लड़ाई लड़ रहा है। किसान तो इस देश की लोकतंत्र की इस देश के हित की लड़ाई लड़ रहा आज, और ये सरकार समझ ले जो ये ईडी CBI जो प्रोपगंडा सरकार अपनाती है, जो नेता के खिलाफ बोलेगा चाहे तो वो BJP में चला जाए और नहीं तो फिर उसको जेल जाएगा। इन्होंने देख लो जितने भी नेता विपक्ष में रहे आज तक, जो कांग्रेस में आधे से ज़्यादा 30% नेता BJP में हैं, क्यों चलेगा भाई, जब वो कांग्रेस में वो चोर है उन पर मतलब मुकदमे है, आज वो सारे BJP में जाके ऐसी तुम्हारे पास कौन सी गंगा, उन पर वो सारे आरोप खत्म हो गए, उनके घोटाले खत्म हो गए, वो तुम्हारे जाते सिद्ध हो गए, ऐसा क्या पास ऐसा क्या क्या मामला तुम्हारे पास में। जो किसान पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं विरोध करने सरकार का, तो क्या वोट का भी विरोध करेंगे वहाँ BJP वोट, भाई सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में मैसेज देना चाहते हैं ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। सरकार की करनी में और कथनी में दोनों में अंतर है। आज सरकार जो कहती थी वो कहती थी भाई हम जो मैनोफेस्टो सरकार का उठा कर देखो, उस मैनोफेस्टो के हिसाब से सरकार ने सारे काम उल्टे करे। आज वो कहती थी पेट्रोल 35 रुपये में मिलेगा, पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपये से ऊपर। वो कहती थी भाई जो हम किसानों की दुगुनी आय करेंगे, किसानों के MSP भी नहीं मिल रहा, आदमी फसल किसान बेच रहा है। ये सरकार बताए ना भाई ऐसा क्यों हो रहा है देश में, भाई तुम्हारे पास शासन है प्रशासन है सारा सिस्टम सरकार के पास में है, तुम क्यों विफल हो रहे हो क्यों असफल हो रहे हो भाई, तुम मात्र कुछ पूंजीपतियों को बस नहीं माला माल बनाना चाह रहे हो देश में, देश को गुलाम बनाना चाहते हो पूंजीपतियों का। आज देश में नीति खत्म होती जा रही है, देश के हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं, देश में ये सोचो गृह युद्ध जैसी संभावना देश में इन लोगों ने पैदा कर दी है। आज बताओ गंगा जी पे कोई बात नहीं करेगा, गंगा मैया पे यमुना मैया पे कोई बात नहीं करेगा, सफाई की पॉल्यूशन की बात जब करते जब किसान के खेत में पराली जलेगी उसका समाधान नहीं ले जाएंगे वो एक साल बस किसान पेनल्टी डालेंगे, ये करेंगे देखो किसान ने पॉल्यूशन कर दिया। अरे बड़े बड़े उद्योग लगे पड़े, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी पड़ी है, गाड़ियाँ पॉल्यूशन डीजल में गाड़ियाँ चल रही हैं, जो उन पर बताओ ना कहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है इतना, ये किसान के खेत से पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन सुमित जी आपको 107 दिन हो गए यहाँ बॉर्डरों पर बैठे हुए, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग, क्या क्या समस्याएं आ रही है किसान को तो सहना पड़ता है। किसान ने देखो किसान का ये संघर्ष रहा है, जब जब देश पे आपदा आई है किसानों ने क्रांति भी लाई है और ये लोग लड़ाई भी लड़े हैं, चाहे वो हमारे चौधरी चरण सिंह जी हों उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हों किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, चौधरी राजेश पायलट जी हों उन्होंने किसान नेता थे उन्होंने किसानों के लिए हित में हमेशा खड़े रहे, और आज देश के हालात मतलब समझ में नहीं आ रहा देश आज़ाद है भी नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे शायद हम कभी गुलामी में देश था अंग्रेजों के गुलाम अधीन था, शायद वही नियम कानून चल रहे थोपे जा रहे जबरदस्ती थोपे जा रहे जबरदस्ती, भाई अंग्रेज तो अंग्रेजी टाइम में हो करता था भाई, जब अंग्रेजों का देश गुलाम था ये तो उस समय होता था, अंग्रेजों ने जो नियम बना दिया जनता पर लागू कर दिया थोप दिया, उस समय भी आंदोलन हुए हमारे भगत सिंह के जो चाचा थे उन्होंने आंदोलन करा किसानों की बात अंग्रेजों ने मानी, आज ये भी वही काम कर रहे हैं अंग्रेजों वाले, मतलब जनता चाह रही है कुछ तुम दे रहे जा रहे हो कुछ हैं, क्या तरीका सरकार का भाई हैं, अरे जनता कह रही हमें रोटी चाहिए निवाड़ा हमारे गले के अंदर जाना चाहिए, तुम कह रहे हो हम सोने का फंदा बना रहे तुम्हें गड़ों घटका मारेंगे, ऐसा क्यों चलेगा भाई देश में, भाई जनता को स्वीकार नहीं है, तुम वो काम करो जो जनता चाहिए देश में, पेट्रोल सस्ता करो डीजल सस्ता करो रोजगार दो देश में।
लेकिन सुमित जी आपको नहीं लग रहा कि जो सरकार की जिद है वो भी पीछे हट रही, जो किसानों की जिद है वो भी पीछे हट रही, इस मसले का हल करा जाए? भाई मैं तो ये मानता नहीं सरकार की इतनी बड़ी जिद है, ये सिर्फ कुछ लोगों की जिद है जो सरकार में आका बने बैठे हैं, ऐसा नहीं। सारे नेता विधायक जो है उनकी मजबूरी है, जो आज जो सरकार में ऊंचे पद पे बैठे हैं वो चंद लोग हैं बस। वो चाह रहे वो चाहे बीजेपी का नाश चला जा, चाहे सरकार का नाश चला जा, उन्हें अपने फायदे से मतलब है। अरे उन विधायक और सांसदों को पूछना जिन्हें गाँव में अपने अंदर है लोग, अरे वो जनता में जाके क्या जवाब देंगे? वो अपने लोगों के बारे में नहीं सोच रहे? अरे आज उनके विधायक गाँव में दिखाओ जाके, पीछे गए थे मंत्री जी एक गांव में, नहीं घुसने दिया? पर वो आपके साथ भी तो नहीं आ रहे ना? अरे भाई मत आओ, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, वो सारे आएंगे। भाई एक लालच है ना उन्हें सरकार से, भाई गद्दी को लालच है, गद्दी ना छोड़ना चाह रहे। खटोला है ना बुढ़िया मारे, जब खटोला मिलेगा, जब सरकार वापस उतरेंगे ना गद्दी पे, जब मिलेगा खटोला, जब पता लगेगा, जब जनता के बीच में जाओगे। अरे इनकी हालत उठा कर देख लो, हरियाणा में नहीं जा सकते, पंजाब में नहीं जा सकते, उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते, लोग हालत बताओ देश का क्या है आज। अरे नेता जो बनता है जनता का नेतृत्व करने के लिए बनता है, जनता के भले के लिए बनता है। आज तुम सरकार गोदी में जो बड़े बड़े जो बैठे ना सरकार की गद्दी में ऊंचे ओहदे पे, उन्होंने बेचारे नेता विधायक मंत्री तक की नहीं चली सरकार, बताओ वो अपनी जान बचाते फिर रहे इन्होंने तो कहने से चल रही है सरकार। भाई सरकार तो चार गुजराती लोग हैं, दो खरीद रहे दो बेच रहे, सब पता है। अमित शाह मोदी, अडानी अंबानी, चार लोगों ने पूरे देश का मजाक बना कर रखा है, पूरा देश घाटे में जा रहा है। अरे अडानी अंबानी की कंपनी मैं कह रहा हूँ 107 दिन हो गए, 100 दिन बंद करके दिखा दो अडानी की सारी कंपनी, नहीं है 10 दिन बंद करके दिखा दो, वाई दिन अगर ना समाधान हो जावे। क्यों? उन्हें देश से मतलब नहीं है, उन्हें अडानी कंपनी चलनी चाहिए, अंबानी कंपनी चलनी चाहिए, देश से सारे घाटे में चले जाओ या गड्ढे में चले जाओ, उन्हें देश से मतलब नहीं है। अब आंदोलन का आगे क्या रूपरेखा रहेगी, कैसे चलेगा? भाई आंदोलन ये किसान का सबसे बड़ा जो देश है, इन लोगों ने मानसिकता ये पाल ली है, आज यहाँ लाखों लोग बैठे धरने पे, अगर ये लाखों लोग काम करते रोजगार करते तो देश बढ़ता, अपने बच्चों को पालते परेशानी ना होती इतनी है। इन लोगों में मतलब यही है, अपना टारगेट सेट कर रखा है इन लोगों ने बस। अब जो हमने कर दिया सही कर दिया, बंगाल चुनाव, बंगाल की जनता ने जवाब ऐसा देगी, करारा जवाब देगी जब इनकी बुद्धि ठीक होगी। अब ये और बंगाल चुनाव पे टिका हुआ सरकार की वजह से, सरकार सोच रही है बंगाल चुनाव पे, हम नहीं सोच रहे हैं। हम तो ये आंदोलन जब तक नई वापसी MSP MSP कानून नहीं बनेगा और तीन बिल वापसी नहीं होंगे जब तक चलता रहेगा ये। आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे इन्होंने, बताओ योगी के खिलाफ में, ये मुख्यमंत्री को हराना चाह रहे हैं, योगी को कहते हैं कौन हराना चाह रहे, सरकार बीजेपी वाले हराना चाह रहे भाई। अरे हराना किसान क्यों चाहेंगे भाई, ये तो सरकार सोच है ना, तुम काम क्यों कर रहे हो? विधायक बेचारे परेशान है, सांसद परेशान है, इनसे भाई वोट तो जनता ही देगी। सारे तो इस्तीफा देखा है ना आपके पास भाई, उन्हें तो ये लग रहा है ना साल 6 महीने बच रहे, शायद समाधान हो जावे वे भी चक्कर में हो जाएगा, तो शायद जनता के बीच में दोबारा जाइए। अब ये थोड़ी पता है इतना लंबा चल जाएगा। योगी जी तो कह रहे हैं किसानों को तरक्की पसंद नहीं आ रही भाई, योगी बेचारे की मजबूरी है, ये गुजराती जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना नहीं देखना चाहते, ये सच्चाई है। आपने मीडिया में पहले भी देखा होगा, मोदी के बाद में तो दूसरा चेहरा आता था इस सरकार में, योगी का चाहते हैं तो फिर आपके चाहने से होगा ना, वोट तो आप देते हो ना भाई। हमारे काम चाहते हैं तो आप बन जाएं, भाई हमारे काम नहीं करेंगे तो हम क्यों वोट देंगे? हमने पहले भी कहा सरकार से लड़ाई नहीं, सरकार की नीतियों से लड़ाई हमारी। ये जो नीति लेकर आ रहे कहते कुछ है और करते कुछ है, इनकी कथनी और कथनी में दोनों में अंतर हो रहा है भाई। ये क्या भाई, मैं बहुत बता रहा हूँ, इन्होंने कहा भाई 35 रुपये पेट्रोल, 100 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, किसान की आय दुगनी, किसान MSP से आधे रेट में फसल बेच कर रहा है, देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल 20 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं भाई। ये आंकड़े इनकी संस्थाएं द्वारा दिए गए आंकड़े हैं, तो भाई तुम क्या कर रहे हो देश में? टैक्स तुम ज़्यादा वसूल रहे हो। इन्होंने कहा भाई नोटबंदी करेंगे हम, नोटबंदी में जितने पूंजीपति है सबका काला धन निकल कर बाहर आ जाएगा, मतलब उद्योगपतियों से काला धन निकल जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और आप भी कहोगे यह बात है, जितने बड़े बड़े उद्योगपति है किसी को भी एक भी तुमने बैंक में जाता देखा नहीं गया ना? और जो पैसा उस समय का किसी गरीब की झोपड़ी में किसी माँ बहन ने वो पैसा 500-1000 का नोट दबुआ का अपने बुरे टाइम के लिए रखा था ना, वो भी लगड़ के बैंक में जमा होगा, वो गई बैंक में जमा करा, तो गरीब जनता का तो पैसा जाकर बैंक में जमा हुआ, इनका थोड़ी हुआ, बड़े बड़े पूंजीपति इनका, और वो गरीब लोग लाइन में लगे। तुमने देखा होगा एक बेचारी महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया बैंक में, हैं ये देश के हालात इन्होंने ऐसे कर दिए। और नोटबंदी पे कहा भी बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा आएगा, कौन सा पूंजीपति कौन सा नेता लगा लेन में बताए ना हमें, ये तो सरकार के खिलाफ में बिल्कुल जो देश के खिलाफ में, देश की जनता के खिलाफ में ये लोगों ने नीति बना रखी है, और ये जनता समय आने पे ना जवाब देगी। जितनी जल्दी ये लोग आए ना, जितनी जल्दी ऊपर गए हैं भाई, इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, विश्व गुरु है, ये वो है, ये उतनी जल्दी जमीन बाकी गिरेंगे, ये सच्चाई है। अमित जी आंदोलन को 107 दिन पूरे हो गए हैं, लगातार आप लोग इतना कड़ा संघर्ष कर रहे हैं,
लेकिन सरकार तो कुछ टस से मच हो ही नहीं रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। अब तो बातचीत भी बंद कर दी सरकार ने आप लोगों से। भाई सबसे बड़ा नतीजा तो ये, सरकार बात नहीं कर रही है, यानी सरकार बैकफुट पे है, सरकार डरी हुई है, सरकार मतलब कोई षड्यंत्र या जैसे पहले षड्यंत्र रची सरकार ने, तो सरकार सोच रही है किसानों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मतलब इस टॉपिक पे जो है गंभीरता से सरकार सोच रही है, कोई तगड़ी रणनीति बना रही है, भाई किसान मान नहीं रहे हैं, कानून वापसी कैसे करें, इसमें क्या बचाव हो, तो सरकार को कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। इसमें सरकार जो बिल्कुल गहनता से सोच रही है, और इसीलिए शायद सरकार अभी बात नहीं कर रही है, कोई ठोस समाधान शायद सरकार लेकर आए। क्या है कोई ठोस समाधान सरकार के पास या किसानों के पास, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले? बीच का सरकार के पास सारे रास्ते हैं। सरकार एक नया ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसमें MSP गारंटी कानून दे देवे, जो बिल है उन्हें वापसी ले लेवे। अगर आपको MSP की गारंटी मिल जाए तो कानून से तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, या कानून भी वापस चाहिए? नहीं, कानून भी वापस चाहिए, दोनों चीज़ें हैं। देखो दोनों चीज़ें हैं, कानून भी वापसी हो और MSP पे गारंटी कानून भी बने। देश के हालातों को देखते हुए आज जो देश में हालात है, सरकार ने फोकस कर दिया, अभी ठीक है सरकार एक बाउंडर बनाती है, मतलब एक भौकाल का रूप सरकार ने ले रखा है, मतलब लोगों को ये दिखाओ भाई जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। और जो विपक्ष हो या कोई भी आंदोलन हुए आज तक देश में, आज तक जितने भी आंदोलन देश में हुए आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ, सारे सफल रहे, चाहे वो कितने बड़े बड़े आंदोलन JP आंदोलन हो या और भी काफ़ी आंदोलन हुए, गुलाम भारत में भी कई आंदोलन ऐसे हुए जो सफल रहे। देखो आंदोलन की प्रक्रिया ये है, आज तो देश आज़ाद है और पहली बार देश में, ऐसा दुर्भाग्य देश का है, आज़ाद भारत में इतने से ज़्यादा किसानों ने शहादत देती और सरकार गूंगी बहरी होके और घर बैठी है। लेकिन बंगाल में फोकस कर रखा सरकार ने, गाँव गाँव घर घर तक पहुँच गया है। क्या सरकार को अपने वोट बैंक का डर नहीं है क्या?